गाइस, मैं आपकी होस्ट नूपुर। वेलकम टू माय चैनल इन लॉग नूपुर। सो फ्रेंड्स, आज आपको हम दिखाएंगे अपने शहर के ककरा मोहल्ले में बने जैव विविधता पार्क और इलेक्ट्रिक बसों का चार्जिंग स्टेशन, और आपको दिखाएंगे नगर निगम का प्रस्तावित ऑफिस कार्यालय जो कि अभी बन ही रहा है, और नया पुल जो कि गर्रा नदी के ऊपर बन रहा है। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो में आपको पूरा फुल ब्लॉग दिखाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हम लोग खड़े हैं शाहजहाँपुर के ककरा मोहल्ले में खड़े हैं, और सामने जो बिल्डिंग देख रहे हो आप, ये जो है इलेक्ट्रिक बस स्टेशन बन रहा है शाहजहाँपुर में, और बहुत जल्दी हमारे शहर में इलेक्ट्रिक बसें दौड़ने लगेंगी, जिसका चार्जिंग स्टेशन, चार्जिंग पॉइंट जो है वो यहीं पर होगा, और हमारे शहर को 25 बस की सौगात तो मिल ही चुकी है और यहीं पर इसकी चार्जिंग भी होगी। तो खैर, चलिए फ्रेंड्स, आपको अब अंदर से दिखाते हैं कि कैसे इसकी मेंटेनेंस और चार्जिंग होगी। सो फ्रेंड, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं सामने जो है, ये जो है यहाँ पे मेंटेनेंस स्टेशन और चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे है, और सर्विस भी यहाँ पे होगी बसों की। तो आपको बता दें, ये जो देख रहे हो आप, ये यहाँ पे बसें जो है खड़ी करी जाएंगी, तो एक टायर इधर एक टायर इधर बस का होगा, तो बीच में बस होगी और नीचे से वहाँ पर उसकी मेंटेनेंस करी जाएगी, और जो चार्जिंग होता है और सर्विस होती है जो भी बस का, वो सब यहाँ से किया जाएगा। तो मतलब एक बार में 3 बसों की सर्विसेज, मेंटेनेंस और चार्जिंग हो सकती है। और जैसे कि ऊपर देख रहे हैं आप, यहाँ पे लाइट वगैरह सब लग चुके हैं। सो
सो फ्रेंड, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं मार्क बने हुए हैं, रेड रेड लाइनें खींची हुई हैं, तो यहाँ पे सारी जो 25 बसें हैं वो यहाँ पे खड़ी करी जाएं। ये जो है ये उसी का स्थान है यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सब मार्क बने हुए हैं, अलग 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 कॉलम बने, तो यहाँ पे सारी बसें खड़ी करी जाएंगी और पूरे यहाँ पे 25 कॉलम भी बने हुए हैं। सो फ्रेंड, जैसे कि अभी आप देख रहे हो सामने जो है आपको ये जो रूम दिख रहा है ये गार्ड का रूम है, और उसके आगे देखिए वहाँ पे ट्रांसफार्मर भी रखे गए हैं जिससे इस पावर स्टेशन को पूरी जो सप्लाई जो है इलेक्ट्रिसिटी की वो दी जाएगी। सो फ्रेंड्स, अब जैसे कि आप सामने देख रहे हो वो जो आपको पुल दिख रहा है ये अभी बन ही रहा है, और सामने आप जो रोड देख रहे हो वो जो है वो अजीजगंज वाली रोड है, और ये पुल बनने के बाद अजीजगंज जो है वो हमारे इस ककरा मोहल्ले से जुड़ जाएगा। और यहाँ पे देखिए रोड जो है इसका काम भी चल ही रहा है, तो मतलब जो कोई भी घूमने के लिए आएगा तो वो इसी रोड से आएगा, उसको मेन सिटी में नहीं जाना पड़ेगा, तो वो ऐसे बाहर बाहर यहाँ से पूरी रोड बनी हुई है, तो वो यहीं से इस पार्क तक का जो मार्ग है वो यही होगा। तो अभी तो यहाँ पे देखिए सारा काम चल ही रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं सारी मशीनें वगैरह लगी हुई हैं, सब सामान जो है जेसीबी मशीन वगैरह बुलडोज़र वगैरह जो और जो कुछ सब होता है सामान सब रखा हुआ है यहाँ पे, और इसका काम जो है बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो हमको आगे आने वाले सालों में बहुत जल्दी यहाँ पे नया रूप दिखेगा शाहजहाँपुर का। सो फ्रेंड्स, ये जो पुल है ये गर्रा नदी के ऊपर बन रहा है, और बहुत जल्दी हमारे शहर शाहजहाँपुर को नए पुल की सौगात मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, अभी जो है हम लोग अपने शहर के ककरे मोहल्ला में खड़े हैं, और यहाँ पे दिखा दें आपको, यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये जो है पूरा पार्क जैसा बना है, तो ये जो है ये जैव विविधता पार्क बना हुआ है, और ये यहाँ पे अभी बन ही रहा है, इसका कंस्ट्रक्शन जो है चल ही रहा है, तो अभी हम यहाँ पे खैर गेट पे ताला लगा है तो हम ज़्यादा कुछ तो नहीं दिखा सकते अंदर, तो हम आपको जितना हो सके जितना पॉसिबिलिटी हमसे हो सकती है मुद्दा दिखा रहे हैं। और आपको एक और चीज़ बता दें, इस पार्क का जो लोकार्पण जो है वो 5 जून 2021 को संपन्न हुआ था, हमारे शहर के कैबिनेट मंत्री श्री माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था। सो फ्रेंड्स, आपको एक और चीज़ बता दें, ये जो पार्क है ये काफ़ी बड़े एरिया में बन रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं मतलब वहाँ से स्टार्टिंग है, ऐसे होते 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 मतलब ये पूरा पार्क इसे कवर कर रहा है यहाँ पे, और वो देखिए फ्रेंड्स वहाँ तक उसकी बाउंड्री गई है, तो मतलब काफ़ी बड़े एरिया में ये पार्क बन रहा है, और जब ये पूरा बन के तैयार होगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा, और हमारा शहर न्यू सिटी शाहजहाँपुर बन रहा है। और आपको एक और चीज़ बता दें, सामने जो बिल्डिंग देख रहे हो वो जो है वो वही इलेक्ट्रिक बस स्टेशन है, जहाँ पे चार्जिंग का जो स्टेशन दिखाया था अभी, तो वही बिल्डिंग है। सो फ्रेंड्स, आपको एक और चीज़ बता दें, ये जो पार्क है ये शहीदों की स्मृति में पार्क और प्रदर्शनी स्थल सभागार का विकास और निर्माण कार्य यहाँ पे होगा। और आपको एक और बता दें, ये जो पार्क है इसका विविधता पार्क के अलावा इसका शहीद पार्क नाम भी दिया जाएगा, और ये जो पार्क है हमारे शहर के नगर निगम द्वारा बनवाया गया है। सो फ्रेंड, जैसे कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट में बताया था कि मुझे शाहजहाँपुर के ककरा मोहल्ले का ये जो पार्क बना है विविधता पार्क, इसका पूरा ब्लॉग देना चाहिए, तो देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ का ब्लॉग बना लिया, मैंने पूरा तो नहीं दिखाया क्योंकि वहाँ बंद था, लेकिन मैंने मुझसे जितना हो पाया मैंने उतना आप लोगों को दिखाया। और आपको बता दें, जैसे कि मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पे जो है नगर निगम का कार्यालय जो है वो यहाँ पे बन रहा है, अब इसका निर्माण नहीं है लेकिन यहाँ पे बहुत जल्दी निर्माण हो जाएगा। अभी जो हमारा नगर निगम का जो कार्यालय है वो हमारे पुरानी नगर पालिका की जो बिल्डिंग है वहीं पे वो चल रहा है, और जो कि टाउन हॉल में है जिसे हमने आपको दिखाया अपने ब्लॉग में। और जब यहाँ पे ये जो नया नगर निगम का कार्यालय जो यहाँ पे जब बन जाएगा तो वो जो नगर निगम ऑफिस है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं बना सिर्फ यहाँ पे। और इसका बता दें, और इसका जो शिलान्यास है वो हमारे कैबिनेट मंत्री श्री माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी द्वारा हो चुका है, 21 अगस्त 2021 को संपन्न हुआ। और यहाँ पे देखिए ये जगह देख रहे हैं, अभी तो ये जगह वीरान है, बहुत चल के आगे चल के हमको भविष्य में यहाँ पे नगर निगम का ऑफिस जो है वो यहाँ पे बहुत जल्दी बन जाएगा।
जिसका काम बहुत जोरों शोर से चल रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें विविधता पार्क के 2-3 गेट हैं लेकिन वो इस टाइम जो है सब बंद हैं, तो हम आपको अंदर से पार्क का पूरा व्लॉग नहीं दिखा पाए। तो मैंने मतलब मुझसे जितना हो पाया मैंने उतना आपको लोगों को दिखाया, और तो और मैंने आपको बता दें काफ़ी मेहनत लगती है व्लॉग बनाने के लिए, जैसे कि आपने देखा मतलब खेत के बीचों बीच में चलना और मतलब बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करो, प्लीज़ कंजूसी मत किया करो लाइक करने में, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ही कर लो प्लीज़। और मेरे भाई का यूट्यूब चैनल है ब्लॉगर कार्तिक, और जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो प्लीज़ मेरे भाई के यूट्यूब के चैनल से सब्सक्राइब करो। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, तो मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो करें। और फ्रेंड्स प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपको पूरा ब्लॉग कैसा लगा, और मुझसे हो पाया मैंने जितना कोशिश की मैंने सब कुछ दिखाया आपको। तो बस एंड में हम ये कहेंगे लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।